जय जेतेश्वर, जय गोगा, वंदे मातरम। फिलहाल मैं मनीष रबारी नोंगू राजकोट से, मैं पाथेड़ी आया हुआ हूँ। जो कम से कम 100 दिन पहले पाथेड़ी गांव में बहन संगीता कालर के साथ घटना घटी थी, उनकी हत्या की गई निर्मम तरीके से और बलात्कार किया गया उनके साथ। उस मामले को लेकर प्रशासन और शासन दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं और कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। गुड़ामाली में जांच भी आप लोगों ने चेंज करवा दी, हम मानते हैं, लेकिन जब 18 तारीख को मैं गुजरात से राजस्थान सिरोही में आया, उसी दिन प्रशासन ने हमारी आवाज दबाने के लिए धारा 144 लगा दी। और उसके बाद जब 18 तारीख को मैं सिरोही में आया, उसके बाद ही प्रशासन ने जांच गुड़ामाली ट्रांसफर की और उसके बाद महिला आयोग की टीम दिल्ली से जयपुर आई। तो प्रशासन और शासन से मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में संगीता बेन के परिवार को, फिलहाल संगीता बेन के पिताजी और उनके चाचा जी मेरे पास खड़े हुए हैं, इस मामले में कोई भी जानकारी शासन और प्रशासन के तरफ से परिवार को नहीं दी जा रही है कि क्या कार्रवाई चल रही है और क्या नहीं चल रही है। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि ये जो मामला है बेन संगीता देवासी का, इस मामले में जो भी दोषी है, 5 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया था, तो जो भी दोषी है, किसी निर्दोष को हम सजा दिलवाना नहीं चाहते, जो भी दोषी है उसके खिलाफ जल्द से जल्द न्यायिक जांच हो, कार्रवाई हो। और जो संगीता बेन को बदनाम करने का षड्यंत्र साइला पुलिस थाने में से किया गया और उनकी ऑडियो और वीडियो वायरल की गई, तो मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि आप संगीता बेन की वीडियो और ऑडियो वायरल कर सकते हैं तो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो 5 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा किया था, उन लोगों की कॉल डिटेल आप निकालिए, उन लोगों के व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट, उनकी सारी जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया में वो भी बाहर निकालिए और उनकी कॉल डिटेल भी लोगों के सामने लाइए, ताकि जो असली मुजरिम है वो पकड़ा जाए और कोई निर्दोष इस मामले में ना फंसे। हम कोई भी निर्दोष को फंसाने का हमारा मकसद नहीं है। हम जो भी घटना घटी है वो घटना में जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो और फांसी की सजा हो, हम यही कहना चाहते हैं। हम किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहते, लेकिन इस मामले को लेकर शासन और प्रशासन दोनों एकदम सुस्त है। वोट बैंकों की राजनीति हो रही है और मामले को पूरी तरह से पैसे के दबाव में आके दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर आने वाले दिनों में चुनाव से पहले शासन और प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं की और कोई भी जानकारी परिवार को नहीं दी, गुड़ामाली में तेल केस ट्रांसफर हो गया उसकी भी कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है, एसपी को फोन कर रहे हैं तो डीवाईएसपी का बोल रहे हैं, डीवाईएसपी को फोन कर रहे हैं तो थानेदार का बोल रहे हैं, थानेदार को फोन कर रहे हैं तो थाने का बोल रहे हैं। हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद है, हमने सबसे बात की है। तो इस मामले में शासन और प्रशासन अपना पक्ष रखे और हमें बताए कि ये मामले में आगे क्या कार्रवाई हो रही है। अगर इस मामले को दबाने की कोशिश की तो ये अब हम सहन करने वाले नहीं है। पहले तो सिर्फ जालौर जिला जाम किया हुआ था, आने वाले दिनों में पूरा राजस्थान जाम होगा, पूरे हिंदुस्तान से रबारी आएंगे, अपना पशुधन जो भी है रोड के ऊपर लाकर खड़ा कर देंगे और एक महारैली करेंगे। उसके बाद जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि पाथेड़ी प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है और बेन संगीता का जो बलात्कार और हत्या हुई है उस मामले को आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है और परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। तो शासन और प्रशासन और अशोक गहलोत सरकार ये कान खोल कर सुन ले कि आने वाले दिनों में हम महारैली करेंगे। हम ना किसी से डरे, ना किसी से डरेंगे, ना धारा 144 से डरेंगे, हम जरूर रैली करेंगे। आपको भी पता है
और मुझे भी पता है सिरोही में धारा 144 के बावजूद हमने रैली की थी और आगे भी करेंगे। अन्याय के खिलाफ कहीं भी अगर आवाज उठानी है तो आप जो भी हमारे ऊपर मुकदमा करना चाहते हो कर सकते हो, हम जरूर आवाज उठाएंगे। हम कोई आतंकवादी नहीं है या हम कोई गुंडे नहीं है, हम सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते है और एक परिवार जो हमारे समाज का है उसको न्याय दिलाने के लिए हम कभी भी हाजिर है और आने वाले दिनों में महा आंदोलन होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मनीष त्रिवारी नोंगू राजकोट से। आगे जो संगीता बेन के चाचा जी है वो दो शब्द कहेंगे। आप बोलो, थोड़ा बोलो। हमने 8 से 10 बार हम लोग जालौर जोधपुर सब जगह गए परंतु हमारे को गवर्नमेंट से आज तक इसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं है। जब भी हम पूछते हैं तो एक दूसरे थानेदार एक दूसरे को बताते हैं, आगे से आगे एसपी को पूछते हैं, अगर डिप्टी से पूछो, डिप्टी से पूछते हैं तो थानेदार से पूछो। अगर इससे हमारे को कोई न्याय नहीं मिला तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। और ये संगीता बहन के पिताजी ये दो शब्द ये भी बोलेंगे। न्याय सही है, बीजू आपने पाया नहीं सही, तो नहीं मड़ी है तो धरना प्रदर्शन कराए। यही हमारा कहना है शासन और प्रशासन से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।